हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी उठाए बगैर ही घर के बाहर आई मीडिया से रूबरू होने के लिए प्रियंका चाहर चौधरी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्रियंका का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस वक्त हर तरफ वायरल हो रहा है। जी हाँ, प्रियंका ने ऐसा ताबड़तोड़ इंटरव्यू दिया मीडिया में जो तो सिर्फ और सिर्फ एक विनर ही दे सकती थी। जी हाँ, ऐसे ऐसे जवाब दिए, ऐसी बातें बोली जिससे साफ नजर आ रहा था कि प्रियंका ही बिग बॉस की असली विजेता है। ट्रॉफी नहीं मिली तो आखिर क्या हो गया? फैंस के दिलों में, ऑडियंस के दिलों में तो प्रियंका चाहर चौधरी ने अपनी जगह बना ही ली। दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर? प्रियंका के इविक्शन इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई और प्रियंका ने क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर से बाहर जैसे ही प्रियंका आई, तब मीडिया की सबसे ज्यादा भीड़ प्रियंका के इर्द गिर्द नजर आई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्रियंका का अपने एलिमिनेशन पर क्या जवाब है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका बहुत ही ज़्यादा हंसती खिलखिलाती हुई मीडिया के आगे आई और मीडिया के आगे प्रियंका ने साफ साफ कहा, आप लोगों को शौक लगाना, मुझे भी लगा था, लेकिन जो सच है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि यही लगने लगा था कि मैं जीत ही जाऊंगी, लेकिन जितना मिला मैं उतने में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में और सिर्फ पहला सीरियल करते ही मैं बिग बॉस के घर के अंदर पहुँच जाऊंगी। मैं यहाँ तक आई, बिग बॉस के टॉप 3 तक आई, आप लोगों से इतना प्यार मिला, जनता से इतना प्यार मिला, बहुत है। वहीं दूसरी तरफ एमसी स्टैन के जीत पर जब प्रियंका के रिएक्शन पूछे गए, तब प्रियंका जोर जोर से हंसने लगी और ये कहा, अब मैं क्या ही बोलूं? आप लोग खुद जानते हैं कि एमसी स्टैन घर के अंदर किस तरह का कॉन्टेस्टेंट था। अर्चना ने तो अक्सर बोला था कि आखिर एमसी स्टैन इस घर के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन ये बात साफ थी कि एमसी स्टैन की रियल लाइफ में बाहर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। वो एक बहुत बड़ा रैपर है, तो ऐसे में उसे जिताकर एक नरेटिव तो बदलना ही था बिग बॉस के मेकर्स को। एमसी स्टैन के बाद प्रियंका से अंकित के ऊपर भी सवाल किए गए। मीडिया ने पूछा कि अंकित, आपके इविक्शन के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ऐसे में प्रियंका ने कहा, अंकित आई लव यू। जी हाँ, अंकित उनका सबसे बेहतरीन दोस्त है। अंकित उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा था, इसीलिए जब मैं आउट हुई तो अंकित का दिल पूरे तरीके से टूट गया। अंकित ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो इस घर में कभी नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आया, इसीलिए यही वजह रही कि अंकित की आंखें छलक गई जब मुझे वो नहीं मिला जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डेस्परेट थी। लेकिन मैं जितना यहाँ तक आई हूँ, जितना कुछ सीखा है, सलमान सर मेरे मेंटोर बन चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ और आगे चलकर अपने आप में काफ़ी सारे बदलाव करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।